हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। क्या हाल है गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले TVS Apache 165 RP रेस परफॉर्मेंस एडिशन वर्सेस Apache 164V स्पेशल एडिशन। दोनों के बाइक में क्या डिफरेंस है, दोनों ही बाइक में क्या एक्चुअल में डिफरेंस मिल रहा है। अभी 165 को लॉन्च किया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ 200 यूनिट्स प्रोवाइड की गई है TVS की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों 164V इनका स्पेशल एडिशन कलर भी कुछ दिन पहले ही आया था, लेकिन 164V इनका कॉमन बाइक है क्योंकि ये 200 यूनिट्स आपको मिली है 165 RP एडिशन। RP एडिशन को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे मैंने कमेंट ये भी देखे हैं कि कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो किसी का कुछ कुछ कहना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये भी सामने आई है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों दोनों के बाइक के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं और देखते हैं कि भाई किस तरह पलरा भारी है, कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर है, कौन सी बाइक आपको लेना चाहिए, कौन सी वैल्यू फॉर मनी बाइक है, ये कंप्लीट मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। बात करते हैं 165 वर्सेस 160। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा शेयर कर दो तो भाई और भी अच्छा लगेगा, और एक लाइक मार देना, आप लोग लाइक मारते हो मोटिवेशन काफ़ी आता है। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे दोस्तों दोनों बाइक के प्राइस के बारे में कि कितना प्राइस डिफरेंस आपको दोनों बाइक में देखने को मिलता है। देखिए 164V में 3 से 4 एडिशन आती है, स्पेशल एडिशन कलर वाली एक एडिशन आएगी, स्मार्ट कनेक्ट एडिशन आएगी, सिंगल डिस्क वाली एडिशन आएगी, डुअल डिस्क वाली एडिशन आएगी, बहुत सारी एडिशन आती है। फिर भी मैंने यहाँ पे जो स्पेशल एडिशन सबसे महंगी है, जो जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा है, मैं उसके बीच में कंपेयर करने वाला हूँ। उस बाइक का एक्सोरूम प्राइस आता है 164V स्पेशल एडिशन का 1,21,000, 1,21,000 रुपये में एक्सोरूम प्राइस आती है। हमारी जो 165 RP रेस परफॉर्मेंस एडिशन जो लाई गई है उसका एक्सोरूम प्राइस रखा गया है 1,45,000, 1,45,000 रुपये। यानी कि दोस्तों कंपेयर करोगे तो दोनों बाइक में लगभग 24,000 रुपये का डिफरेंस मिलता है। मतलब जो RP एडिशन है वो 24,000 ज़्यादा कॉस्टली है गाइस, यहाँ तक वो अपाची RTR 200 से भी ज़्यादा कॉस्टली है। अब डिपेंड करता है आपको भाई कि कौन सी लेनी कौन सी नहीं है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि इंजन के बारे में कि इंजन में कितना डिफरेंस हमें देखने को मिला है। देखिए दोनों बाइक में आपको सिंगल सिलेंडर SI ऑयल कूल इंजन मिलता है, लेकिन 165 में कुछ इन्होंने स्पेशल एडिशन करके SOSC इंजन यूज़ किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। CC के बारे में अगर बात करें तो 165 में 164.9 CC का इंजन दिया गया, 164 में 159.7 CC के आसपास का इंजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ी सी ज़्यादा CC की बाइक है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है 165 RP एडिशन। गाइस दोनों के पावर के बारे में अगर बात करें, अपाचे 165 में लगभग आप लोगों को 19.2 के आसपास का PS पावर मिलता है, एंड हमारी जो नॉर्मल अपाचे 164V आ रही थी पहले उसमें पावर दिया जा रहा था 17.63 के आसपास का PS पावर मिल जाता है गाइस। वही दोस्तों RP एडिशन में 14.2 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, 165 में लगभग दोस्तों आप लोगों को 14.73 के आसपास का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। तो दोस्तों टॉर्क से अगर कंपेयर करोगे तो 164V में ज़्यादा टॉर्क है, लेकिन अगर पावर से कंपेयर करोगे तो 165 में थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिलता है, लगभग 2 BHP के आसपास का जो पावर है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस है भाई पावर को अगर आप कंपेयर करोगे तो। दोस्तों नंबर ऑफ 5-स्पीड गियरबॉक्स दोनों ही बाइक में है, दोनों ही बाइक में फ्यूल इंजेक्टर है, कोई स्पेशल चीज़ें नहीं दी गई है। प्लस दोस्तों यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि 165 में ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी महंगी है, तो स्लीपर क्लच प्रोवाइड किया गया है, जो कि 160 में आपकी 4V में नहीं आता, 165 में स्लीपर क्लच दिया गया है। तो आपको यही एडवांटेज मिलने वाला है 165 में कि पावर थोड़ा सा ज़्यादा है और स्लीपर क्लच आप लोगों को बाइक में मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर दोनों बाइक का कंपेयर करूँ ना मैं, तो 164V ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है, क्योंकि 24,000 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार। दोस्तों दोनों के स्पीडोमीटर के बारे में बात करें तो दोनों में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिला है, और ये जो हमारी नई 165 आई है उसमें कह रहे हैं कि रेस डायनेमिक स्पीडोमीटर देखने को मिला है। दोनों में राइडिंग मोड्स आते हैं, दोनों में स्मार्ट कनेक्ट आता है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लगभग दोनों में सेम आपको फीचर्स मिलेंगे। हो सकता है 165 में एक आध दो फीचर ऐड कर दिए होंगे तो कर दिए होंगे, बाकी मुझे ऐसा कुछ दिखा तो नहीं है। दोनों में ऑलमोस्ट आपको सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। दोनों में कि सस्पेंशन के बारे में अगर बात कर ले तो हाँ, 165 में आपको जो सस्पेंशन मिले वो थोड़े से अच्छे ब्रांड के देखने को मिले हैं। अपाचे 160 में गाइस फ्रंट में आप लोगों को सोवा के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं,
और रियर में आप लोगों को बाइक में शोआ के मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, लेकिन 164 में आपको नॉर्मल ब्रांड के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। तो मतलब दोस्तों जो सस्पेंशन है वो आपको थोड़ा सा प्रीमियम मिला है, क्योंकि दोस्तों शोआ के जो सस्पेंशन होते हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। बहुत सी सुपर बाइक्स में भी शोआ के सस्पेंशन यूज़ किए जाते हैं, तो ये एक एडवांटेज आपको ज़रूर मिलेगा 165 में गाइस। वहीं दोस्तों अगर बात करें दोनों बाइक के ब्रेकिंग एंड टायर्स के बारे में, तो दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। दोनों ही बाइक में सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। दोनों ही बाइक में फ्रंट में 270-270 mm की प्लेट यूज़ की गई है। रियर में दोनों बाइक में 240 mm के आसपास की प्लेट यूज़ की गई है। बात करते हैं दोनों बाइक के टायर साइज के बारे में। फ्रंट में दोनों बाइक में आपको लगभग 90-90 का टायर देखने को मिल जाता है। रियर में लगभग 130-70 के आसपास का टायर आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाता है। तो ये तो दोस्तों बाइक के बीच में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन हो गया। स्पेसिफिकेशन कंपेयर में आपको 165 आरपी में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, थोड़ी सी बेटर चीज़ें मिलती है, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात करें तो हेड लाइट में आपको सेम वही एलईडी लाइट प्रोवाइड की गई है, जो कि अभी 165 में नहीं लाई गई थी। बीच में आपको एलईडी DRL लैंप मिलता है, जो कि अभी भी चेंज की गई है लगभग 1 month पहले, जो कि RTR 200 में भी सेम वही आने वाली है। और वही चीज़ दोनों बाइक में प्रोवाइड की गई है, उसमें भी कोई मेजर बड़ा डिफरेंस नहीं मिला है। 165 RP में सेम आपको लाइट देखने को मिली है, टर्न सिग्नल लैंप वही बल्ब दिया गया, ऐसा नहीं कि उसमें LED दिया गया, नहीं, उसमें भी सेम आपको वो चीज़ें मिल रही है। बस दोस्तों यहाँ पे 165 में आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि इसका जो कलर ऑप्शन दिया गया ब्लू कलर ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव है। उसका ग्राफिक देखेंगे एकदम रेस ट्रैक जैसी, रेस ट्रैक बाइक होती है उस टाइप से डिजाइन किया गया है। 15 years ऑफ अपाचे का लोगो देखने को मिला है, काउल देखने को मिला है। तो ये जो कलर ऑप्शन है ना 165 में आपको, वो थोड़ा सा तड़क भड़क आप कलर कह सकते हो, वो आपको थोड़ा बेटर मिला है। लेकिन अगर ओवरऑल कंपेयर करोगे ना भाई, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अपाचे 164 भी जिस प्राइस में आ रही है ना, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि अगर आप 24,000 rupees ज़्यादा दे रहे हो एक्स्ट्रा, उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा कलर मिल रहा है, थोड़ा सा पावर मिल रहा है और थोड़ा सा अच्छे सस्पेंशन आपको मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक्चुअल में 165 RP लेना चाहते हो, तो उसकी जगह आप RTR 200 लो। उसमें आपको ज़्यादा पावर मिलेगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, वो लिखने में भी थोड़ी सी बड़ी लगती है, उसमें भी स्लीपर क्लच है, उसमें भी राइडिंग मोड्स है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 110% जो अपाचे RTR 200 है ना, वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए दोस्तों TVS ने जानबूझकर इस बाइक की 165 RP एडिशन की 200 यूनिट इसीलिए यहाँ पे इंडियन मार्केट में लाई है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग वैल्यू फॉर मनी चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, कि क्या चीज़ वर्थ है और क्या चीज़ को खरीदना चाहिए। तो 165 RP एडिशन बाइक इज वेरी गुड, बाइक बहुत अच्छी है, बट डिपेंड करता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि प्राइस क्या रख सकते हैं, और प्राइस में बाइक थोड़ा सा मार खा रही है। अगर ये बाइक ना 164 से 10,000 rupees ज़्यादा रहती ना, तो फिर ये वैल्यू फॉर मनी ज़रूर होती, मैं बोलना चाहूँगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग ऑडियंस हैं, कस्टमर हैं, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके, एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।